नालंदा वो जगह है जो 6th सेंचुरी BC में पूरे वर्ल्ड में नॉलेज का सेंटर थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से लेकर 470 ईस्वी के बीच की थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ने पढ़ाने आते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गईं। तो अब खिलजी कौन था और उसने ऐसा क्यों करवाया, ये सुनिए। दरअसल 6th शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। ये राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड करते थे। ये वर्ल्ड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेदिक शाखा के हेड यानी प्रधान राहुल श्रीभट जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है, लेकिन कई हकीमों से सलाह लेने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभट को बुलवाया। वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और उनसे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभट ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी धूप के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे वो ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। अब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि ये 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दिया। इस तरह उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।